कैठे बच्चो अस्सलाम वालेकुम तो खुलियो पानी 3 में जमूर उर्दू किताब सफा नंबर 70जी दात पर सबक 1 नाज हमारे खेल अक्सर बच्चे इन जदों पसंद करा तो आज पढ़ो इस अथि गंदनस मतलब यथ केल, खेल चूंकि सल्कस म खलन रिवाज पत पे रूदमुत चलो बकार शुरू तुय तो हना तावजू पनीर के ताइफ़ कुन तो ते तमपत लिखू पनीस काईपिपियाट तो बेथोई याद कुश्ती लगभग तालुकात रिवाज मकबूल हैं शाबाज़ बच्चों ये गई बाल ये गो हॉकी हाँ हन डंड ये गो बैटो बाल हमारे खेल इंसान हमेशा से खेल कूद का शौकीन रहा है वक़्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहे हैं शुरू शुरू में इंसान जंगलों में रहता था उसको गुजर बसर जंगली फलों और जानवरों के शिकार पर थी उस जमाने में वो तीर से जानवरों का शिकार करता है तीर अंदोजी इसका खेल था जैसे जैसे इंसान की जिंदगी में तब्दीलियां आती गई खेल भी बदलते गए हमारे मुल्क में भी खेलों का रिवाज हमेशा से रहा है हमारे यहाँ पहले कुश्ती कबड्डी और गुल्ली डंडा जैसे खेलों का रिवाज था कुश्ती के मुकाबले होते थे एक पहलवान दूसरे पहलवान को बछाड़ने की कोशिश करता है कबड्डी और गुल्ली डंडे में दो टीमों के दरमियान मुकाबला होता है ये खेल हमारे मुल्क में आज भी कहें कहीं खेले जाते हैं दूसरे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बढ़े तो वहां के बहुत से खेल हमारे यहां खेले जाने लगे इनमें से कुछ खेल बहुत मकबूल हैं जैसे क्रिकेट हॉकी फुटबॉल वॉलीबॉल और टेनिस वगैरह। हॉकी में तो लगभग तीस साल तक कोई मुल्क हमसे नहीं जीत सका और आज भी हमारी हॉकी टीम दुनिया की मशहूर टीमों में से एक है क्रिकेट में भी हमने बहुत नाम पैदा किया है हमारी टीम ने उन्नीस सौ ईस्वी में क्रिकेट का आलमी कप जीता है टेनिस में हैदराबाद की जवान साल खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया उन्होंने 2003 ईस्वी में 12 साल की उम्र में वैम्बलोडन में में ग्रैंड स्लेम एजाज हासिल किया जो हिंदुस्तान की खेल कूद की तहरीक में किसी खातून को मिलने वाला पहला एजाज है खेलों की अहमियत अब और भी बढ़ गई है क्योंकि इनके जरिए एक दूसरे के साथ मेल जोल और भाईचारा पैदा करने में भी मदद मिलती है चलो बच्चों तु तो थो याद खेलन हे नाव खेलन हंद नावट वाली बाल च हॉकी च गुली डंडा च अम्म कैलन है ना। पाँच कारण खिलाड़ी हैं ना। एक सानिया मिर्जा टेबल टेनिस गेंदन, या हिंदुस्तान मशहूर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खिलाड़ी, पाकिस्तान मशहूर खिलाड़ी शाहिद आफरीदी। ऐसे पूछ के हैं खिलाड़ी हैं तो ये ना। याद थावन तबीच तो ये अम्म गेम हैं अम्म याद ह शुक्रिया बचो आज गो युत इन्शाल बैक पढ़ो इस अमं ब्रौ असल